अभी आए थे अपन टमाटर लेने, ये देख सकते हो गोली हो रहा है भाई 850। लेकिन भाई सब मैंने ये वाला टमाटर खरीदे है देखो, और अभी मेरे को मिला है भाई सब मूली, ये देखो यहाँ से मैंने मूली खरीदे है, अभी दुकान लगा के रेडी यार। ये देखो भाई इतना जो वेजिटेबल्स है ना अपने पास, ये है 4100 रुपए का। हाँ भाई आलू भाटा करेला टमाटर भिंडी मूली मुर्गा वाले, अभी देखो अपन ने सेलिंग किया है इतने रुपीज के। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग, वापस से सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई साहब अभी बज रहे सुबह के 9 और अभी भाई नहा धो के नाश्ता करके रेडी यार वापस से काम पे जाने के लिए। कल भाई 15 अगस्त को अपन गए थे घूमने, तो आज एक दिन बाद अपन फिर से जा रहे हैं आज मार्केट। आज है वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब कि नंगोई विलेज का मार्केट रहता है यार, तो देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहता है, निकलते हैं। ये देखो हेलमेट रेडी और मैंने अपना बाइक को भी रेडी कर लिया है, ये देखो इधर, ये देखो बाइक भी रेडी है। भाई साहब आज ना खतरनाक धूप करा हुआ है भाई, एकदम जल रहा है धूप जो है, तो थोड़ा जल्दी सब्जियां खरीद के आएंगे यार, हालत खराब हो जाएगा धूप में अपना भी। भाई साहब अभी पहुंच चुके अपन मार्केट और ये रहा अपना ऑटो भाई सामने, और यहाँ देखो गणपत भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय महाकाल। जय महाकाल। गजब यार, क्या के लिए भाई? अभी तो कुछ नहीं लिया, अभी तो आए। हाँ कुछ नहीं लिया हो, अच्छा चलो फिर चलते हैं, कुछ कुछ लेते हैं यार। चलो भाई साहब इधर मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या सब्जियां है प्लस क्या क्या रेट है भाई साहब। अभी अपन आए किसान मार्केट की तरफ और इधर से ना हम लोगों ने खरीदा भाई साहब भिंडी, ये देख सकते हो भिंडी का क्वालिटी, और मैं और गणपत भाई दोनों ने एक एक झोला खरीदा है 15 रुपए किलो पे। नहीं करना भाई क्वालिटी सही लग रही है, ठीक लग रहा है थोड़ा सा, फिर भिंडी 26.5 किलो है, क्वालिटी काफी मस्त है, ऊपर से लेकिन नीचे तक सेम। पैसा देते हैं भैया को 400 रुपए, ठीक है ठीक है सर। तो भाई साहब भिंडी लेने के बाद मैंने खरीदा कमीशन तरफ से मुनगा, ये देख सकते हो भाई इनके पास से लिया 30 रुपए केजी में 15 केजी मुनगा। चलो अभी मुनगा को लेकर आते हैं ऑटो पे, अभी अपन आए थे किसान मार्केट की तरफ और देखो तगड़ी भीड़ है भाई खतरनाक। और अभी मेरे को मिला है भाई साहब मूली, ये देखो यहाँ से मैंने मूली खरीदा है, क्वालिटी देख सकते हो आप मूली क्या क्या जबरदस्त क्वालिटी भाई इनका है, चाचा जी का 15 रुपए केजी लिया है, मस्त क्वालिटी भाई। अभी मूली को लाए हैं वजन कराने, ये देख सकते हो भाई उठा दिए सभी वजन कम, 555। हाँ चलो भाई 555 रुपए हुआ है इनका। अभी लेके चलते हैं मूली को अपने ऑटो के पास भाई, चलो इधर से चलते हैं, काफी वजन है यार मूली, 37 केजी आया भाई। भाई साहब अभी मूली को लेके आ गए हैं गाड़ी के पास, ये देखो भाई अपना मूली, ये मूली था अपना 37 केजी मूली था, जिसमें से आधा को मैंने रखा ये देखो और आधा को दे दिया गणपत भाई को भाई, क्योंकि मेरे अकेले के लिए ज्यादा हो जाता है ना इसलिए। क्वालिटी सही है नहीं गणपत भाई? बहुत अच्छा भैया, बढ़िया ना। और अभी किसान को पैसा भी नहीं दिया हूँ यार, वो झोला को छोड़ के चला गया है, तो उनका झोला को वापस करूंगा और पैसा देने जाऊंगा, 555 रुपए देना है उनको भाई। तो चलो मूली को भी डालते हैं ऑटो के ऊपर, अभी डोड़का लिया था उसको भी लेके आ गए, ये देखो क्वालिटी देखो भाई डोड़का, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है, कितना केजी आया भाई डोड़का? 30 किलो, तो इसको भी 15-15 रखेंगे भाई, 15 केजी गणपत भाई को दूंगा, 15 केजी मैं रखूंगा। और आज आनंद भाई इनसे आज मैंने खरीदा है भाई, बहुत दिन बाद बरबट्टी लिया है, ये देखो चंदू भैया को नहीं देते करके आज दे दिए चंदू भैया। मैं ना सब्जी क्वालिटी के अनुसार लेता हूँ भाई, अगर हालांकि भाई है इससे 2-4 पैसे महंगा ले लेंगे तभी नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा की अच्छा माल अगर सस्ते मिले ना बाहर से ले लेना अच्छा है, नहीं कहा आनंद भाई है ना, क्योंकि दोस्ती यारी भाईचारा अपने जगह और धंधा पानी बिजनेस जो है अपने जगह है ना भाई। तो चलो भाई साहब कितना दिया इसको बरबट्टी को? 13 रुपए मांग रहे थे आप, 12 का दे देना यार। नहीं यार तेरे में जोड़वाना ना भाई, ज्यादा नहीं यार, मैं तो ऐसे भी 1-2 रुपए दे देता हूँ, किसान लोग यार बहुत मेहनत करते हैं, तो आपसे कैसे खा सकते हैं है ना। चलो भाई अभी डोड़का को इसमें लोड कराते हैं, फिर उसके बाद और कुछ सब्जियां लेना है, टमाटर वमाटर भी आए थे अपन टमाटर लेने, ये देख सकते हो गोली हो रहा है भाई 850। लेकिन भाई साहब मैंने ये वाला टमाटर खरीदा है देखो 960 रुपए का टमाटर है भाई, अभी चलो इसको लेके चलते भाई। भाई साहब अभी बना है कमीशन पे, यहाँ सब्जियों का बोली हो रहा है, ये देख सकते हो पूरा हरा सब्जियों का भाई, यही से मैंने बैगन खरीदा है 28 रुपए केजी पे, अभी तो फिलहाल 29 रुपए हो गए भाई बैगन। और अभी मैं करेला लेने के लाया हूँ यहाँ, करेला बस बाकी है, वो देखो वहाँ पास से जा रहा भाई करेला, चलो क्वालिटी दिखाते हैं, ये देखो ये देख सकते हो भाई करेले का क्वालिटी काफी गजब क्वालिटी मस्त, ये करेला अभी रिसेंटली कटा है 42 रुपए केजी कटा है भाई हाईएस्ट, अब देखते हैं अपन 40 रुपए तक मिलेगा ये करेला लूंगा, छोटा छोटा वाला इसका स्वाद अलग रहता है, देखते हैं कितने मिलता है भाई साहब। अब कमीशन की तरफ से ले देगा अपना करेली मिला 38 रुपए केजी मिला भाई करेली, अभी डालते हैं इसको भी ऑटो के अंदर। भाई साहब देखो काफी सामान हो गया है आज ऑटो पे यार अच्छा खासा,
ऑटो के अंदर डाला जाए करेले को भाई। तो भाई साहब अभी ना मंडी की तरफ से जितना सब्जियां लेना था हरा सब्जियां पूरा हो गया भाई। देखो गाड़ी पूरा पैकअप हो गया भाई, बहुत सारा सब्जियां ले लिया थोड़ा थोड़ा करके। और अभी जा रहे हैं अपन आलू लेने के। साहब अभी आलू लेने के लिए आए हैं अपन गोदाम पे। ये देखो पूरा आलू गंजा पड़ा है भाई। क्या रेट भैया वाला आलू पटेल भैया? आलू रेट क्या है? आलू हो गया, ये वाला आलू लिया। लाओ भैया लेके आओ इसको ना, बाइक से लेके चलते हैं अभी घर भाई, क्योंकि शाम को आएगा ऑटो ना भाई, तो उसमें डाल देंगे। अभी वो आ नहीं रहा है, लेट कर रहा है, तो चलते भाई साहब चलो। तो भाई साहब अभी पहुंच चुके मार्केट से घर, और ये देखो आलू को ला के रख दे घर के अंदर। और अपने पास टमाटर भी बचा है वो देखो भाई, ये है अपना मंडे वाला टमाटर, तो उसको भी लेके जाएंगे शाम को बेचने के लिए। और आज कितने का वेजिटेबल्स लेके आए हो ना उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मार्केट जाने के टाइम बताते हैं आप लोगों को आज टोटल कितने का वेजिटेबल्स लेके आया भाई साहब। गाइज अभी बच चुके हैं शाम के 4, और अभी ना घर से भाई साहब अपन आ चुके सीधा मार्केट, और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी आया भाई, टाइम नहीं था ना, उस वजह से ब्लॉग को जो है सीधा मार्केट भी कर रहा हूँ। और आज वेजिटेबल्स की बात करें ना, तो मैंने खरीदे 4100 रुपये के वेजिटेबल्स है, प्लस 100 रुपये सुनील भाई का भाड़ा, प्लस 50 रुपये गाड़ी पे अपना पेट्रोल भाई, तो 41 और 4250 रुपये का टोटल वेजिटेबल्स लेके आया है। और कौन कौन से वेजिटेबल है वो चलो अभी आगे आप लोग को दुकान लगेगा तो दिख जाएगा भाई। और अभी देख सकते हो आप लोग मार्केट, यार ये मार्केट का नाम है नंगोई, नंगोई विलेज का मार्केट है भाई अभी, जो कि पूरा खाली है। ये देखो अभी दुकान लग रहा है वो सामने, देखो नानू भाई आ रहे हैं चलते चलते, और ये अपना ऑटो भाई साहब, देखो पूरा फुल लोड है आज, सामान बहुत ज़्यादा है भाई ऑटो में। अभी चलो सामान को उतारते हैं गाड़ी से, और ये सामने देखो मेरा जगह है भाई, यहाँ पास यहाँ लगेगा अपना दुकान, तो दुकान लगाते हैं यार। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं शाम के 5, और फाइनली अभी दुकान लगा के रेडी यार, धूप और गर्मी पे हालत ख़राब हो गया भाई दुकान लगाए तक। ये देखो बहुत सारा सामान है, ये देख सकते हो भाई आज का शॉप अपना, आलू बैंगन करेला बरबट्टी टमाटर मुनगा ढोड़का भिंडी मूली 4 और 4 8 1 9 9 आइटम है, काफ़ी सामान है। और ये जगह पे आ नहीं रहा था, ले देखे थोड़ा थोड़ा लगा के उसको जगह पे लाया है मैंने। ये देखो भाई इतना लंबा, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। और आज का मार्केट देख सकते हो भाई नंगोई का, काफ़ी सब्जी आया भाई मार्केट में, तगड़ा सभी तरफ ठीक ठाक सब्जियाँ है। आज सिर्फ आनंद भाई नहीं आया है मार्केट, पता नहीं कुछ काम है ऐसा करके वो नहीं आया, मैं बोला चलो करके उनके पास से मैंने बरबट्टी को खरीदा है, देखो उन्हीं का बरबट्टी है। और टमाटर भाई साहब आज टमाटर जो लाया हूँ वो उतना सही क्वालिटी में नहीं निकला है, ये जो नीचे वाला टमाटर है ये देखो, ये वाला टमाटर आज का है जिसमें काला काला दाग निकल गया है, और जो ये ऊपर पे टमाटर दिख रहा है गोल्डन कलर में, ये टमाटर है मंडे वाला जो कि फुल क्वालिटी में भाई। देखते हैं अब क्या रेट बिकता है टमाटर, टमाटर बस क्वालिटी में नहीं है, फिर बाकी सब सामान फुल क्वालिटी में भाई। ये देखो बाकी सब सब्जियां अच्छे हैं, और यहाँ सामने सुनील भाई दुकान लगा रहे हैं भाई, सामान इनके पास आलू मुनगा करेला बरबट्टी टमाटर इनका सही निकला है। क्या बेच रहे हो बड़े टमाटर? 60 रुपये किलो बेच रहे हो भाई। बढ़िया है भाई, मस्त क्वालिटी में है टमाटर। और ढोड़का? ढोड़का 30 रुपये किलो। ढोड़का 30 मैं भी लाया हूँ, ढोड़का 30 रुपये बेचेंगे। और अचारी वाला मिर्च है भाई, ये कितना है पटेल? 20 रुपये 30 का आधा। चलो ठीक है बढ़िया। ये देख सकते हो भाई मार्केट घूमते घूमते चलते हैं। आठ टमाटर 60 रुपये 60 ठीक ठीक मस्त क्वालिटी। और बैगन 30 भाई साहब, बैगन को मेरे को 40 बेचना पड़ेगा यार, क्योंकि 30 का खरीदे है मेरा, 28 रुपये का बैगन खरीदा हूँ, 30 पड़ गया लाते तक। आपको कम में मिला है? कम में मिला भाई, गजब यार मस्त भाई सही है। इधर चलते हैं, देखो चाचा जी के पास है मूली। क्या चाचा मूली? है 20 रुपये ठीक है, 20 बेच रहे हैं मूली। इधर आते हैं, यहाँ देखो यहाँ पूछते भाई टमाटर, वहाँ टमाटर कैसे बेचा इसका? 60 ठीक है 60 रुपये। आलू? आलू 25। और ये आगे वापस से मैं अपने शॉप पे ना, जो वेजिटेबल्स है ना अपने पास, ये है 4100 रुपये का है पूरा आइटम, ये देख सकते हो 4100 का। देखते हैं आज कितने का बेच पाते भाई। हाँ भाई आलू भाटा करेला टमाटर मूली वाले आगे 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 सस्ता, आलू 25 कोई 30-40 वाले काम नहीं, ताजा आलू खाओ। सब अभी कस्टमर आ गए भाई, देखो बच्चे लोग आए हैं भिंडी लेने के लिए। और रेट की बात करें ना तो काफ़ी सस्ता है हर वेजिटेबल्स, आलू जो है बेच रहे भाई सब, आलू 25 है, बैंगन 40 रुपये बेच रहा हूँ मैं क्योंकि महंगा मिला है, करेला जो है भाई सब 15 रुपये पाव 60 रुपये किलो, और बरबट्टी भाई सब
20 रुपए है, टमाटर जो है मेरा 50 और 60 है भाई। भिंडी भाई सब 20 रुपए किलो है, ढोड़का जो है 30 है, मुनगा 20 रुपए जूरी है, इसको 15 भी बेच सकते हैं, 30 का दो बंडल है। और मूली भाई, मूली सबसे बेस्ट क्वालिटी में है यार, ये देख सकते हैं आप लोग, एक नंबर क्वालिटी है मूली, गजब का दिख रहा है। इसको अभी 30 रुपए केजी बोल रहा हूँ, देखते हैं 30 में नहीं बिकेगा 20 में बेचेंगे इसको भी। चलो भाई को देते हैं सब्जियाँ। दबंग मसाला ला आधा किलो, आधा किलो देते भिंडी, ये छोटा दे छोला दे। हाँ भाई, मूली वाले, भिंडी वाले, भाटा वाले, सस्ता मूली, ताजा मूली लो। भिंडी मूली भाटा वाले, सस्ता लो, ताजा लो, सस्ता लो। भिंडी मूली मुर्गा वाले, मुनगा लो, मुनगा लो। भाई सब मुर्गा को मुर्गा निकल गया था भाई, मुंडा खड़ा था दादा। 20 और 20 40, टमाटर 50 हो गए, टमाटर 50 हो गए, 80-90 100 वाले टमाटर 50, सस्ता हो गया टमाटर, सब सस्ता लो, सब सस्ता लो। भिंडी मूली लो, भिंडी मूली लो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। गाइस अभी ना शाम के बज चुके 7 और जिसका डर था वही हुआ भाई, बारिश स्टार्ट हो गया फिर से और मार्केट को फिर से इस बारिश में धो दिया भाई साहब। वैसे तो सब्जियां बिक गया, थोड़ा थोड़ा ही बचा है, ये देख सकते हो आप लोग भाई, थोड़ा ही थोड़ा सामान बचा है भाई। और ये बारिश नहीं हुआ रहता ना तो इतना भी सामान नहीं बचा रहता, पूरा बिक जा रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में होता है वही होता है भाई। और अभी देखो मार्केट का हाल भाई कुछ इस प्रकार से, पूरा अंधेरा, लाइट भी बंद हो चुका है, तो अभी चलो बारिश में सामान को उठाते हैं भाई साहब। भाई साहब बारिश ना, बारिश होते लगभग लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया भाई, और ले दे के सामान को बारिश में मैंने उठाया, छाता ओढ़ के, छाता पकड़ा था, तो अभी देखो सामान वहाँ पास है, अंधेरे पे दिख नहीं रहा होगा यार आप लोग को। और ये देखो इधर उठा रहे हैं मामा जी, और ये सुनील भाई का दुकान हो, पता नहीं कहाँ गायब हो गया यार सामान को उठा के। अरे अरे दिख ही नहीं रहे थे भाई यार सामने में भाई, अरे तो उठाओ ना यार, उठाऊंगा ना, रुक जाओ यार, बारिश हो रहा है भाई, आने वाला है, उठाओ भाई जल्दी उठाओ। तो भाई साहब अभी मार्केट से पहुंच चुके हैं घर, और सभी सामान को कर दिया है घर के अंदर भाई, ये देख सकते हो आप लोग यार, इतना सारा सामान अपना बचा हुआ है, टमाटर को वहां बिछा दिया है, ये देखो इधर, और ये अपना करेला, आलू, बरबट्टी, भिंडी और बैगन, और ये मूली भाई, मूली को तोड़ दिया इसके पत्ता को, क्योंकि पत्ता रहता है ना तो गलने लगता है, मूली जो है खराब हो रहा था इसलिए, तो मुंडा कर दिया उसको, और मुनगा थोड़ा सा ज्यादा बचे भाई, और ये ढोड़गा, लगभग लगभग सभी सब्जियां थोड़ा थोड़ा बच गया है, और बारिश नहीं आता ना तो बिक जाता मैं भी, और अगर बचता भी बहुत कम मात्रा में बचता, लेकिन कोई नहीं यार, होता है यार, मार्केट है, बारिश कभी कभी हो जाता है। अभी चलते हैं अपन अपने रूम के अंदर भाई। अभी देखो अपन ने सेलिंग किया है इतने रुपीज का, इसको मैंने गिन लिया है, क्योंकि ये 500, 200 और 100 और 50 के नोट है, 10, 20 के तो सिर्फ ये देखो इतने ही नोट है भाई, 100 रुपए है लगभग, और ये जो सेलिंग करे है अपन, ये 3500 रुपए भाई, और इसी में का 100 रुपए मैंने सुनील भाई को भी दिया, तो मतलब अपना भाड़ा करके 4250 रुपए का हो रहा था, तो 4250 में 100 माइनस कर दिया, 4150 रुपए, 4150 रुपए के वेजिटेबल्स में अपन सेल किए भाई साहब 3500 रुपए का, मतलब कि अभी 650 रुपए के लॉस में चल रहे हैं फिलहाल भाई। तो अभी जो उतना सारा अपना सब्जियां बचा है ना, टमाटर, आलू, करेला, ढोड़का, मुनगा और भिंडी, बरबट्टी, मूली, भाटा, तो वो सब को मिला के भाई साहब अब सुबह जाएंगे बेचने, तो पता चलेगा कितने का बेचते हैं और अपन कितने का प्रॉफिट अर्न करते हैं, कितना मूलधन, वो कल वाले ब्लॉग में आप लोग को पता चलेगा यार। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, कैसा लगा सो कमेंट जरूर करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते फिर एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।